नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी अकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है जो आपको आपकी सक्सेस के पास ले जाता है। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का मतलब होता है आज़ादी के बाद का भारत। तो बेसिकली आज के वीडियो में हम लोग आज़ादी के बाद के भारत के उन सारे के सारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इवेंट्स को कवर करेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। तो आपकी कन्वीनियंस के लिए हम लोगों ने नोट्स को डिवाइड कर दिया मल्टीपल फेजेस के अंदर या मल्टीपल चैप्टर्स के अंदर, और चैप्टर्स के अंदर बेसिकली हम लोगों ने एक सर्टेन ईयर को कुछ सर्टेन ईयर्स को हमने कवर करने की कोशिश करी है। तो आज के चैप्टर आज की क्लास के अंदर हम बेसिकली चैप्टर वन के अंदर 1947 से लेकर 1950 को कवर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत को आज़ादी मिलती है कब, आज़ादी मिलती है 3 साल के 2 साल के बाद के भारत को। दो यार, हम सभी को पता है कि भारत को आज़ादी मिलती है 1947 15 अगस्त 1950 को। और आज़ादी कैसे मिलती है तो उसके बारे में बात करते हैं। इंडिया गॉट इट इंडिपेंडेंट। इंडिया फाइनली गॉट इट इंडिपेंडेंस आफ्टर अप्रूवल ऑफ माउंटबेटन प्लान और 3 जून प्लान फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल आफ्टर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स। तो इस पॉइंट में ये बात बोली गई है भारत को फाइनली उसकी आज़ादी मिलती है, और कैसे मिलती है, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन प्लान के तहत मिलती है, या फिर जिसको हम 3 जून प्लान भी बोलते हैं। 3 जून प्लान इसलिए बोलते हैं क्योंकि 3 जून को 1947 का वो अप्रूव हुआ था। और इस आज़ादी को आने में करीब 200 साल का समय लग जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1757 एक टर्निंग पॉइंट था ब्रिटिश साम्राज्य को इंडिया में एस्टेब्लिश होने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने देखा था बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, और बैटल ऑफ प्लासी को टेक ओवर करते हुए रॉबर्ट क्लाइव ने भारत के अंदर बंगाल, बिहार और उड़ीसा के पॉलिटिकल राइट्स, सिविल राइट्स एंड रेवेन्यू राइट्स अपने हाथ में कंट्रोल में कर लिए थे। तो ये कहा जाता है कि भारत का एक बहुत बड़ा अभिन्न अंग जो है डायरेक्टली कंट्रोल हो गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो यहाँ से माना जाता है कि भारत को आज़ादी का भारत की आज़ादी जो छिननी शुरू हो गई थी, या भारत गुलाम बनना शुरू हो गया था। तो ये एक बहुत टर्निंग पॉइंट है। तो अगर यहाँ से हम गिनते हैं 1947 तक, तो ये टेंटेटिवली 190 ईयर्स का टाइम लाइन है। हम लोगों ने यहाँ पे इसको रफली 200 ईयर्स कर दिया है ताकि आप लोगों की कन्वीनियंस रहे इसके अंदर। लॉर्ड माउंटबेटन जो उस टाइम के वॉइसरॉय थे वो डिक्लेयर करते हैं कि भारत को जो है पावर ट्रांसफर कर दी, कंप्लीट पावर जो है ट्रांसफर कर दी जाएगी, वो भी 15 अगस्त 1947 को। मतलब जब ये 3 जून को ये मामला डिसाइड किया गया था उसके बाद सिर्फ 72 दिन या 72 डेज ही बचे हुए थे जिसके अंदर भारत को सारी पावर जो है ट्रांसफर होने वाली थी। साथ ही साथ वो ये भी बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पे लैप्स ऑफ पैरामाउंटसी भी इंट्रोड्यूस करेंगे। अब यहाँ पर टर्म है पैरामाउंटसी। पैरामाउंटसी क्या होता है? पैरामाउंटसी वो चीज़ होती है जिसके थ्रू ब्रिटिश क्राउन भारत पर राज कर रहा था। तो यहाँ पे लैप्स ऑफ पैरामाउंटसी का मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश क्राउन का राज साम्राज्य पूरा पूरा फिनिश हो जाना। फाइन। इट ऑल्सो स्टेटेड दैट प्रिंसेस स्टेट्स, जो प्रिंसेस स्टेट्स हुआ करते थे, उनको प्रोवाइड किया जाएगा विद अ टोटल ऑटोनॉमी जिसके अंदर वो चाहे तो भारत से जुड़ जाएँ, चाहे तो वो पाकिस्तान से जुड़ जाएँ, चाहे वो आज़ाद रहें। देखिए, मैं आपको एक बहुत नटशेल में एक चीज़ समझा देता हूँ कि जो ब्रिटिशर्स जो थे वो दो तरीके से रूल करते थे। दो तरीके से कैसे रूल करते थे? अगर ये ब्रिटिशर्स हैं तो उनके अंदर दो तरह की कॉलोनीज हुआ करती थी। एक होती थी डायरेक्ट रूल, जो कि वो डायरेक्टली एडमिनिस्टर करते थे। दूसरा होता था आपका इनडायरेक्ट रूल। इनडायरेक्ट रूल के अंदर जो है कई सारी जो है रियासतें बोल लें उसको आप, या फिर आप उसको बोल लें प्रिंसेसेट्स बोल लें, जैसे कि पटौदी हो गया, भोपाल हो गया, हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, जोधपुर हो गया, कश्मीर हो गया। तो ये सब होता था। तो ये जो थी इनका नंबर था करीब 565 उस टाइम पे। और इन सभी को ब्रिटिशर्स ने बोला जाते हुए कि यार आपके पास पूरा का पूरा अधिकार है, क्योंकि हम सभी जानते हैं जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत को पार्टीशन कर दिया गया था। एक मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन था जिसको बोला गया पाकिस्तान, और एक हिंदू मेजॉरिटी नेशन था जिसको बोला गया हिंदुस्तान या फिर इंडिया। ठीक है, तो अब इन दोनों के पास पावर्स थी, इन दोनों के पास पावर ट्रांसफर हो रही थी। साथ ही साथ एक चीज़ हो रही थी कि यहाँ पे जो 565 प्रिंसेस स्टेट्स थी, इन सबको कह दिया गया इस पॉइंट के अंदर कि या तो आप पाकिस्तान को ज्वाइन कीजिए, या तो आप हिंदुस्तान को ज्वाइन कीजिए, या फिर आप इंडिपेंडेंट रहिए। तो सभी राज्यों ने, सभी रियासतें जितने भी थी, उन सभी ने अपने हिसाब से यहाँ पे काम काम किया, काम को सोचा, और उसके बाद चीज़ों को अंजाम दिया। रियासतों का कंसोलिडेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम आगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर बात करेंगे। आगे चलते हैं। इंडिपेंडेंस जो था भारत का, भारत की आज़ादी जो थी, उसके लिए हम लोगों को अगर 90 साल संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 1857 में जो विद्रोह हुआ था, सिपाही म्यूटिनी हुई थी मंगल पांडे जी के अंदर, और जो हमारे मेरठ में जो म्यूटिनी हुई थी, उसके बाद हम कहते हैं कि रानी झांसी का
झांसी की रानी का जो एपिसोड हुआ था उसके बाद कहा जाता है कि भारत की आज़ादी के लिए जो संघर्ष था, जो स्ट्रगल था, वो शुरुआत हो चुकी थी यहाँ से, तो 90 साल के जड़ में, ठीक है। और इस पर्टिकुलर 90 साल के स्ट्रगल के अंदर लगभग भारत के सभी सेक्शंस के लोगों ने इसके अंदर बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया था। द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जो उस टाइम पे हुआ करती थी वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। दोनों की दोनों पार्टीज अग्री करती हैं लॉर्ड माउंटबेटन के 3 जून प्लान पे। 3 जून प्लान का एक बहुत बड़ा पॉइंट था जिसमें कहा गया था कि भारत को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए, एक बना मुस्लिम मेजोरिटी नेशन जिसे पाकिस्तान बोला गया और एक बना आपका हिंदू मेजोरिटी नेशन जिसे हिंदुस्तान या फिर इंडिया बोला गया। दोनों में फ़र्क थे। फ़र्क क्या थे कि एक बना आपका मुस्लिम मेजोरिटी नेशन, एक बना आपका हिंदू मेजोरिटी नेशन। अब जो पाकिस्तान था बेसिकली वो भारत के दो हिस्सों पे आया था। अगर आप भारत का वेस्टर्न कोस्ट देखें, ईस्टर्न कोस्ट देखें, तो यहाँ पे जो आया वो आया था वेस्ट पाकिस्तान, और भारत के यहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट पे आया ईस्ट पाकिस्तान, जिसको हम प्रेजेंट डे में बांग्लादेश बोलते हैं। और ये बांग्लादेश कैसे बना, इसके पीछे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर है पूरा, उस वॉर के बारे में भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर। तो ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि कैसे ये सारा हुआ। अब जैसे ये 3 जून प्लान इंप्लीमेंट हुआ, 14 अगस्त और 15 अगस्त रेस्पेक्टिवली आए, तो आपको सभी को पता होगा कि पाकिस्तान जो है 14 अगस्त को क्रिएट कर दिया गया था और हिंदुस्तान जो है 15 अगस्त को क्रिएट कर दिया गया था। तो दो रिपब्लिक्स निकल के आए जिनको बोला गया हिंदुस्तान या इंडिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, जिसके बारे में अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको सारा डिटेल दिया है। एंड फॉर मोस्ट ऑफ दस, क्योंकि कई भारत के लगभग सभी सेक्शन से सारे स्टेट्स के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था कि भारत को आज़ादी मिले और उसकी खुशियाँ मनाई गई, बट एट द सेम टाइम कई लोगों के लिए सौरों का भी वो था, मतलब कई लोगों के लिए बहुत बुरी खबर भी थी। क्यों बुरी खबर थी उसके लिए हमें समझना पड़ेगा पार्टीशन ऑफ इंडिया। जैसा कि 3 जून प्लान ने क्या किया, 3 जून प्लान ने भारत को पार्टीशन कर दिया, पाकिस्तान बन गया, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान दो नेशन, मतलब एक ही नेशन बना, इसके दो पार्ट किए गए। दोनों के दोनों जो थे मुस्लिम मेजोरिटी थे और हिंदुस्तान आपका हिंदू मेजोरिटी था। अब यहाँ क्या हो रहा है कि लॉर्ड माउंटबेटन प्लान के नाम पे तो इन्होंने कर तो दिया। अब यहाँ से दो नेशंस निकले, भारत और पाकिस्तान, जिसके बारे में लगातार मेंशन करते आ रहे हैं। और तो दोनों पार्टीशन की जो बाउंड्री बनाई गई, ठीक है, जिसको सर रेडक्लिफ ने डिजाइन किया, मतलब जो भारत और पाकिस्तान के बीच के जो बाउंड्री लाइन है उसको रेडक्लिफ लाइन पे इसलिए कहा जाता है कि सर रेडक्लिफ ने उसको डिफाइन किया। द पार्टीशन ट्रिगर्ड माइग्रेशन। अब हुआ क्या कि ये हमारा देश है भारत, ये आपका वेस्ट पाकिस्तान है, हमारा ईस्ट पाकिस्तान है। अब दोनों ही देश में क्या होना लग गया कि यहाँ से सिख्स एंड हिंदू में हिंदू जो है माइग्रेट करने लगे इंडिया की तरफ, और यहाँ से मुस्लिम्स माइग्रेट करने लगे वेस्ट पाकिस्तान की तरफ। और यहाँ पर भी सेम चीज़ हुआ, यहाँ से जो है मुस्लिम माइग्रेट करने लगे ईस्ट पाकिस्तान की तरफ, और यहाँ से जो है हिंदूज एंड सिख्स जो है वापस आने लग गए। तो जो माइग्रेशन हुई, तो इस माइग्रेशन की वजह से क्या हुआ, बहुत बड़ा राइड क्रिएट हो गया, बहुत सब चीज़ें ऐसे तैयार हो गई जिसकी वजह से जो हिंदू मुस्लिम जो हैं, हिंदू मुस्लिम सिख जो एकदम आमने सामने आ गए, और एक बहुत हॉस्टाइल सिचुएशन बच गई। कई हज़ारों साल से जो कम्युनिटी साथ में रह रही थी उनके बीच में एक हॉस्टिलिटी डेवलप हो गई जो आज तक नहीं जा पा रही है, ठीक है। ये बहुत बड़े लेवल पे वायलेंस हुआ, क्योस हुआ। अब ये सब चीज़ें क्यों हुई, देखिए सिंपल सी बात है, अगर कोई फैमिली अपना प्रॉपर्टी अपना एसेट को खाली कर रहा है पाकिस्तान के अंदर और वो माइग्रेट हो रहा है टुवर्ड्स इंडिया की तरफ, तो उसके पास जो है सिक्योरिटी के रीजंस बहुत कम है, और प्लस उसकी प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए पूरे पीछे लोग बैठे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें आपस में इंटरमिंगल हुई और एक बहुत बड़ा वायलेंस क्योस निकल के आया, जिसके अंदर हमने सेक्शुअल वायलेंस देखे, जिसके अंदर हमने लूट देखा, डकैती देखी, मास मर्डर्स देखे। और ये हमारी हिस्ट्री का एक वो काला दिन है या वो काला पन्ना है जिसको हम लोग अब नहीं पढ़ना चाहते, बट वो हमारी हिस्ट्री का पार्ट है, इसलिए वो हमारी ज़िंदगी का भी पार्ट है। फाइन, वायलेंट नेचर ऑफ पार्टीशन, ठीक है, एटमोसफेयर क्रिएट हो गया हॉस्टिलिटी का, जिसकी वजह से सस्पिशन क्रिएट हो गया भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो आज तक भारत को कहीं ना कहीं परेशान करता है, पाकिस्तान को भी परेशान करता है, ठीक है। इन अगस्त 1947 200 साल इंडिया में हो चुके थे, भारत को आज़ाद किया गया और उसको पार्टीशन किया गया हिंदू मेजोरिटी नेशन एंड मुस्लिम मेजोरिटी नेशन। उसके जस्ट बाद क्या हुआ, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ह्यूमन माइग्रेशन जो है स्टार्ट हुआ ह्यूमन हिस्ट्री में वर्ल्ड का सबसे बड़ा ह्यूमन माइग्रेशन शुरू हुआ, एंड हिंदूज जो थे वो इंडिया की तरफ मूव करना शुरू हो गए, एंड मुस्लिम जो थे वो पाकिस्तान की तरफ मूव करना शुरू हो गए। और इसी बीच में क्या हुआ कि क्लैशेस भी हुए थे, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जो कम्युनिटीज आपस में कई कई सौ सालों से कोएग्जिस्ट कर रही थी पीसफुली, वो एक दूसरे के खून के दुश्मन बन चुके थे। हिंदूज और सिख्स ने जो है एक साइड में थे और मुस्लिम जो थे वो एक साइड में थे। इन तीनों कम्युनिटीज़ ने आपस में एक दूसरे पर अटैक किया, म्यूचुअल जेनोसाइड हुआ। जेनोसाइड का मतलब आप समझते हैं, जेनोसाइड का मतलब बहुत बड़ा मास मर्डरिंग हुई यहाँ पे। और अगर मैं बोलूँ कार्नेज इतना इंटेंस था कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा था, फोर्स कन्वर्जन हो रहे थे,
मास अबडक्शन हो रहे थे, सैवेज सेक्सुअल वायलेंसेस के केसेस वहाँ पर रिपोर्ट हुए. तो इट वॉज द लार्जेस्ट माइग्रेशन इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड एंड दिस पार्टीशन डिस्प्लेस अराउंड 15 मिलियन पीपल इन 1947. 15 मिलियन का मतलब क्या हो गया आप लोग समझ सकते हैं, 1.5 सीआर लोगों को जो इसने इफेक्ट किया जहाँ पर माइग्रेशन हुआ. और आज तक का विश्व का सबसे बड़ा जो माइग्रेशन है वो यही है ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर. ठीक है, अब अगले टॉपिक पर चलते हैं इस चैप्टर के, जिसके अंदर हम बात करेंगे असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी के बारे में. हम सभी को पता है कि महात्मा गांधी को नाथुराम गोडसे ने बुलेट गोली मार के हत्या कर दी थी. 30 जनवरी 1948 की बात है. महात्मा गांधी जो थे बेसिकली बिरला हाउस में, जिसको आज की डेट में हम गांधी स्मृति कहते हैं, जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है, नाथुराम गोडसे उनको वहाँ पर गोली मार देते हैं. होता क्या है, नाथुराम गोडसे जो है इनका असैसिनेशन, गांधी जी का असैसिनेशन या फिर जो इनके जो मर्डर है वो प्लान करते हैं और अपने मित्र के साथ, अपने एक दोस्त के साथ आते हैं और उसे एग्जीक्यूट कर देते हैं. कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, वो गांधी जी की छाती में 3 गोलियां मार देते हैं पॉइंट ब्लैंक रेंज से, और जैसी वो गोली लगती है गांधी जी गिर जाते हैं ज़मीन पर और वो हे राम बोल के उनकी मृत्यु हो जाती है. और उसके बाद क्या होता है कि गांधी जी के जब मृत्यु हो जाती है तो नाथुराम गोडसे उनके दोस्त को जो है अरेस्ट कर लिया जाता है, उन पर कुछ मुकदमा चलता है और 8 नवंबर को पटियाला कोर्ट जो है, अम्बाला कोर्ट जो है उनको सजा देती है और 15 नवंबर को उनको हैंग कर दिया जाता है 1949 में. गांधी जी के इस असैसिनेशन से पूरे देश को बहुत दुख हुआ, एक ऐसी क्षति हुई जिसको हम आज तक परिपूर्ण नहीं कर पाए हैं. इस चैप्टर का अगला सब टॉपिक है नेशनल इंटीग्रेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमारे सिलेबस से डायरेक्टली लिंक्ड है. सिलेबस के लिए आप मेरी पिछली वीडियो रेफर कर सकते हैं. ठीक है, सो जब भारत की आज़ादी का वक्त आया 1947 में, तो इंडिया में बेसिकली दो तरह के टेरिटरीज हुआ करती थी. जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, अगर ये ब्रिटिश रूल है तो ब्रिटिश रूल के अंदर एक होती है डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज, एक होती थी इनडायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज. ठीक है, और ये जो इनडायरेक्ट वाली होती है इनको बोला जाता था रियासतें. रियासतें बोला गया, रजवाड़े बोल लो आप इनको, प्रिंसली स्टेट्स बोल लो, चाहे जो मर्जी बोल लो, तीनों में से कोई भी टर्म इंटरचेंजेबल भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं. तो जब भारत आज़ाद हुआ तो आप जैसा कि हमने बताया कि जब ये आज़ाद हुआ तो इन प्रिंसली स्टेट्स को जो है एक मौका दिया गया कि चाहे तो आप हिंदुस्तान को ज्वाइन कीजिए, चाहे तो आप पाकिस्तान को ज्वाइन कीजिए, या फिर आप इंडिपेंडेंट रहिए. तो इन सभी 565 रियासतें थी उस टाइम, इन सभी 565 रियासतों को कंसोलिडेट करने की जिम्मेदारी दी गई सरदार वल्लभ भाई पटेल की, और इनके सेक्रेटरी थे वीपी मेनन उनको. फाइन, हम लोगों ने रिसेंटली देखा कि कुछ सालों पहले हम लोगों ने गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया है जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी जो है मूर्ति लगी है. ये स्टैचू ऑफ यूनिटी इसलिए बनाया गया क्योंकि उन्होंने इस पूरे कंट्री को जो है, इन 565 रियासतों को जो है एक साथ बांधने में कामयाब हुए थे. ठीक है, इनको लो पुरुष इसलिए कहा जाता है. अब जैसा कि मैंने बताया 565 रियासतें थी, इसके अंदर कुछ रियासतें थी जैसे कि जूनागढ़ है जो कि आपका आउटस्कर्ट्स है, आप क्या कह सकते हैं कि गुजरात के कोस्टल एरियाज में है, जम्मू एंड कश्मीर है, हैदराबाद है. ये वो टेरिटरीज हैं जो कि कन्विंस नहीं थी भारत में जुड़ने के लिए. ठीक है, साथ ही साथ दिस वॉज अनएक्सेप्टेबल टू इंडियन नेशनल कांग्रेस. अब ये जो पर्टिकुलर चीज़ थी जो उनके ये जो टेरिटरीज जुड़ना नहीं चाहती थी, ये कांग्रेस को जो है ये बर्दाश्त नहीं था क्योंकि हमारे कंट्री का बल्कनाइजेशन हो जाए. बल्कनाइजेशन क्या प्रोसेस होता है, सपोज करो कंट्री का मैप है, उसमें जगह जगह छोटे छोटे अलग अलग कंट्रीज हैं या फिर पाकिस्तान के एनक्लेव्स हैं, तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें बहुत दिक्कतें भी आती हैं. तो इसीलिए ये सारी जो है जिम्मेदारी जो है वल्लभ भाई पटेल की को दी जाती है वीपी मेनन के साथ, और एक एक करके जो है कई सारे स्टेट्स जो हैं भारत के अंदर जुड़ना शुरू कर देते हैं. आखिरी में जाके अगर मैं बात करूँ तो 3 स्टेट्स हैं, जूनागढ़ आपका, हैदराबाद और आपका जम्मू एंड कश्मीर. इन 3 स्टेट में बेसिकली हमें ट्रबल देखने को मिलता है. ठीक है, जोधपुर भी थोड़ी आनाकानी करता है, पर जोधपुर में क्या होता है कि 6 अगस्त 1947 को जोधपुर के महाराजा तो थे वो जिन्ना साहब से मिलते हैं. जिन्ना कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना, बेसिकली मुस्लिम लीग के हेड भी थे और भारत के पाकिस्तान के पहले हेडमैन भी बने. इन्होंने बोला कि 3 चीज़ें चाहिए कि जोधपुर जो है कराची पोर्ट को एक्सेस कर सकता है. कराची पोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एक्सेस कर सके. उसके बाद वो बोलते हैं कि फ्री इंपोर्ट ऑन वेपन्स फ्रॉम पाकिस्तान टू जूनागढ़ एंड रेलवे लाइन सिंध हैदराबाद रेलवे शुड बी अंडर द जोधपुर कंट्रोल. ये 3 चीज़ें जो है डिमांड करते हैं जोधपुर के राजा मोहम्मद अली जिन्ना से. मोहम्मद अली जिन्ना उनको व्हाइट पेपर साइन करके देते हैं, वो बोलते हैं कि आपको जो जो चाहिए आप वो ले लीजिए. ठीक है, जोधपुर का जो एरिया था उस टाइम पे करीब 93,000 स्क्वायर किलोमीटर का था एंड महाराजा थे उनके हनुमंत सिंह.
द रूलर एंड द डेमोग्राफी ऑफ द स्टेट जो थे वो दोनों ही हिंदू थे, मतलब राजा भी हिंदू थे और वहाँ की जनता भी मोस्टली वो हिंदू थी। 9 अगस्त को लॉर्ड माउंटबेटन कॉल करते हैं महाराजा को और दिल्ली बुलाते हैं, वो मिलते हैं। उसके बाद सरदार बोलते हैं कि भारत में, सरदार साहब उनको बताते हैं कि भारत में जुड़ने के उनको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। और उसके बाद जो है महाराजा जो है भारत में जुड़ने में तैयार हो जाते हैं और भारत में वो जुड़ भी जाते हैं। आप देख सकते हैं कि उस टाइम का मैप, जोधपुर कितना बड़ा एरिया है, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। ये जोधपुर है, ये जैसलमेर है, ये बीकानेर है, जयपुर है, ये सारे जो है अलग अलग रियासतें हुआ करते थे जो कि इनडायरेक्ट तरीके से कंट्रोल की करी। अगला आता है हमारे पास जूनागढ़। जूनागढ़ के नवाब साहब थे, ठीक है, और ये एक मजिस्ट्रेट था जो कि गुजरात के आउटस्कर्ट्स पे लोकेटेड था। गुजरात के आउटस्कर्ट पर लोकेटेड होने का मतलब है कि इसका एक्सेस जो था वाया सी रोड पाकिस्तान में था। नवाब का नाम था मोहम्मद मोहब्बत खान जी, और जो एरिया था इनके अंडर कंट्रोल में वो 3,000 स्क्वायर किलोमीटर का था। और हैविंग कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान, उनका बॉर्डर पाकिस्तान से काफ़ी हद तक मिलता भी था। तो पाकिस्तान जो है वो इग्नोर करते हैं माउंटबेटन का व्यू और आर्ग्यू करते हैं कि यहाँ पे जो है रीच किया जा सकता है पाकिस्तान को वाया सी रूट। माउंटबेटन बोलते हैं कि आप जूनागढ़ को कैसे लोगे, आपके पास डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। तो पाकिस्तान इस पर काउंटर देते हैं, काउंटर क्या देते हैं, काउंटर में ये बोलते हैं कि नहीं नहीं हम तो सी रूट के थ्रू हम जूनागढ़ पहुँच सकते हैं। द रूलर ऑफ द टू स्टेट्स वर सब्जेक्ट टू द सुजनेटी ऑफ मंगरोल एंड बाबरियावाड़। तो जूनागढ़ के अंदर कहीं ना कहीं दो और छोटे स्टेट्स थे, मंगरोल और बाबरियावाड़, और ये सब चाहते थे कि भारत में सब जोड़ा जाए। तो नवाब अब जूनागढ़ जो है मिलिट्री ऑक्यूपाइड स्टेट्स को कन्वर्ट करते हैं। अब अगला जो स्टेट है वो है जूनागढ़। जूनागढ़ के बारे में बात करेंगे। जूनागढ़ के नवाब साहब थे मोहम्मद मोहब्बत खान जी, इनके पास जो कंट्रोल था वो करीब 3,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कंट्रोल में था। और यहाँ पे जूनागढ़ में पाकिस्तान से पहुँचा सकता है वाया सी रूट। लॉर्ड माउंटबेटन ने बोला कि आप लोग यहाँ डायरेक्टली नहीं पहुँच सकते हो, बट पाकिस्तान इस पर काउंटर करता है और बोलता है कि नहीं नहीं हम सी रूट से पहुँच सकते हैं। यहाँ की जनता जो थी 80% वो हिंदू थी, 20% मुस्लिम जनता थी। और इस पर्टिकुलर जूनागढ़ के नवाब के अंदर दो स्टेट्स, छोटे स्टेट्स आया करते हैं, जो रियासत का नाम था मंगरोल एंड बाबरियावाड़। तो जब बाबरियावाड़ और मंगरोल के लोगों को पता चला कि नवाब साहब जो है पाकिस्तान में जुड़ना चाहते हैं, तो वो लोग वहाँ पर रिबेल कर देते हैं और अपने आप को जो है जूनागढ़ से अलग कर देते हैं। अब होता क्या है कि इस चीज़ के अगेंस्ट रिएक्शन करते हैं जो हमारे खानजी साहब हैं, जो हमारे नवाब साहब हैं, और वहाँ मिलिट्री भेज देते हैं। अब मिलिट्री भेजने के बाद क्या होता है कि इसके बाद जो है इंडिया को एंटर करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो चाहते थे कि भारत जुड़े। जूनागढ़ जो था परमिट, अगर हम जूनागढ़ को परमिट कर देते कि पाकिस्तान जाए तो कम्युनल टेंशन बढ़ सकती थी गुजरात के अंदर, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक रोष था। साथ ही साथ जो है वहाँ के 80% जो लोग थे वो हिंदू थे, एंड बेसिकली ये हिंदू लोग क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि एक प्लेबिसाइट हो। प्लेबिसाइट मतलब कि एक तरह का जनमत संग्रह होता है, और उसके बाद जो है जो कि जूनागढ़ को कहाँ जुड़ना चाहिए उस पर हम डिसाइड किया जाए। हम अपनी क्या करते हैं, हिंदुस्तान जो है अपने फोर्सेस बिठा देते हैं इनके बॉर्डर पर और वहाँ के फ्यूल और कोल की सप्लाई को रोक देते हैं। अल्टीमेटली ये देखा जाता है कि जो नवाब साहब हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं अपनी रियासत को छोड़ के, और 26 अक्टूबर को जो है नवाब साहब बेसिकली वहाँ से निकल जाते हैं। 7 नवंबर को जो है जूनागढ़ की जो कोर्ट है वो कोलैप्स हो जाती है। कोलैप्स होने का मतलब है कि वो पॉलिटिकली कोलैप्स हो जाती है। उसके बाद गवर्नमेंट अग्री करती है प्लेबिसाइट कराने के लिए। प्लेबिसाइट होने के बाद या जनमत संग्रह होने के बाद भारत में इसका विलय हो जाता है, ठीक है। अगले स्टेट जिसके बारे में हम बात करने वाला है वो आता है आपका जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है, जिसको हम वाइडली कश्मीर के नाम से जानते थे। अब यहाँ पे समझने के लिए आपको थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। देखिए कश्मीर में क्या था, कश्मीर में थे राजा हरि सिंह, और यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो थी मोस्टली मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम पॉपुलेशन थी। दूसरी चीज़ क्या थी कि हरि सिंह को लगता था कि हम लोग इंटरनेशनली 2-3 स्टेट्स को कनेक्ट करते हैं, हमारे पास अखरोट है, हमारे पास सेब है, हमारे पास नदियाँ हैं, तो हम लोग जो है एक इंडिपेंडेंट स्टेट को रन कर सकते हैं बड़े आराम से। उनका ये सोचना सही भी था, क्योंकि जिसके पास जिस स्टेट के पास रिसोर्सेज होते हैं वो आराम से जो है इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकता है। बट दिक्कत क्या थी कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों तरफ से प्रेशर था कि वो उनके पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ को ज्वाइन कर लें। हरि सिंह के अगेंस्ट जो है वहाँ के एक लोकल लीडर थे जिनको बोला गया शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला जो है प्रोवोक करते हैं वहाँ के लोकल लोगों को, और वहाँ पे जो है अनरेस्ट शुरू हो जाता है, ठीक है। शेख अब्दुल्ला साथ साथ वहाँ की सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसके उसके लीडर भी थे। तो वहाँ पे एक अनरेस्ट शुरू हो जाता है। बिसाइड्स दैट कि हम लोगों का एक स्टैंडस्टिल अग्रीमेंट होता है दोनों कंट्रीज से कश्मीर का, कि यार जो स्थिति है यथास्थिति वैसे की वैसे बनी रहेगी। बट फिर भी शेख अब्दुल्ला के कहने पर वहाँ पर एक तरीके का अनरेस्ट शुरू हो जाता है।
पाकिस्तान अटेम्प्टिंग दिस फोर्स। अब पाकिस्तान क्या करता है कि पाकिस्तान मौका देखता है और अपनी फोर्सेस को वहाँ भेज देता है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि जो क्योस चल रहा है पंजाब के अंदर, पाकिस्तान को लग रहा है जो जो परेशानी है उसको देख के इंडिया इंटरवीन नहीं करेगा। तो जैसे ही ये अगर आपका कश्मीर है, ठीक है, ये कश्मीर है आपका, थोड़ा मैप को आप माइंड मत कीजिएगा, यहाँ से जो है पाकिस्तानी मिलिट्री एंटर करती है, और जैसे ही राजा हरि सिंह को पता चलता है, राजा हरि सिंह जो है दिल्ली सूचना देते हैं और एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन कर देते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद कंडीशंस। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते ही जो है जो अपना कश्मीर जो है ये भारत का अभिन्न अंग बन जाता है, और इमिडिएटली इंडियन फोर्सेज रिटेलिएट करती हैं और इसको यहीं पर रोक देती हैं। तो ये जो हिस्सा है वो कॉन्ट्रोवर्शियल बन जाता है, जिसको हम आज पीओके के नाम से जानते हैं, और जो हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था उसके अंदर हम आर्टिकल 370 को डिफाइन करते हैं, जिसको हाल ही में हमारी सरकार ने खारिज किया। उसके बाद भारतीय गवर्नमेंट जो है टेक ओवर कर लेती है, सर्टेन सब्जेक्ट्स जो होते हैं स्टेट के गवर्नेंस के वो राजा हरि सिंह के पास ही रहते हैं, और इस तरीके से जो है जम्मू कश्मीर भारत में विलय हो जाता है। हैदराबाद की बात करेंगे, अब हैदराबाद की बात करेंगे तो हम निज़ाम्स की बात करेंगे इसके अंदर। हैदराबाद बेसिकली कितना है, करीब 82,000 स्क्वायर किलोमीटर जो स्क्वायर माइल्स एरिया, करीब 2,12,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है साउथ ईस्ट इंडिया का कंट्रोल करते थे हैदराबाद के निज़ाम, ठीक है। यहाँ की 87% जनता जो थी, या फिर 17 मिलियन लोग थे, वो हिंदू थे, और वहाँ के रूलर थे निज़ाम उस्मान अली खान, ठीक है, वो जो कि एक मुस्लिम थे। और निज़ाम्स का बहुत असर रहा है हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट पे भी, क्योंकि वो लोग बहुत रिच हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा रिच थे। पाकिस्तान हर हाल में चाहता था कि हैदराबाद जो है पाकिस्तान को ज्वाइन करे, बट अगर वो ऐसा कर देता तो आप सपोज कीजिए कि भारत का सदन सदन पार्ट है और यहाँ पे एक ऐसा हिस्सा है जो पाकिस्तान का है, तो ये बैल्कनाइजेशन को भी सपोर्ट करता। दूसरी चीज़ क्या थी कि ये चीज़ मैप में भी छीन लगती। तीसरी चीज़ क्या थी कि अगर ये एक एज अ स्टेट अलग स्टेट यहाँ रहता तो ना इसके पास एयर ट्रैवल के राइट्स होते, ना इसके पास कम्युनिकेशन लाइन के टेल, तो ये एक ट्रैप होकर रह जाता। तो इसलिए हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल आगे आए, उन्होंने निज़ाम को समझाया, जब वो नहीं समझे तो एक पुलिस एक्शन किया गया जिसको ऑपरेशन पोलो बोला गया, और उसके बाद जो हैदराबाद को जो है भारत के अंदर विलय कर दिया गया था। अब मैं आप देख सकते हैं ये था हैदराबाद, इतना बड़ा एरिया कंट्रोल था। अब जब सपोज कीजिए कि पूरे भारत के अंदर इतना एरिया जो है पाकिस्तान का रहता, तो आप खुद सोच सकते हैं कि इसको कहीं से भी कनेक्टिविटी नहीं मिलती, चाहे ईस्ट पाकिस्तान को चाहे वेस्ट पाकिस्तान को, ठीक है। प्लस ये लैंडलॉक्ड रहता तो यहाँ पर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट भी रिस्ट्रिक्टेड रहता, ये एयर स्पेस यूज़ नहीं कर सकता था, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो थी उस टाइम पर, टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी कि एयर स्पेस को बना लिया जाए, कम्युनिकेशन लाइन नहीं हो पाती, पोस्टल सर्विसेज नहीं हो पाती, तो बहुत तरह की एक मुसीबत हो जाती जो कि हैदराबाद के लिए भी ठीक नहीं थी और भारत के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं थी। इसलिए यहाँ पे पुलिस एक्शन करके हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगुवाई में इसको भी अपने पास ले लिया गया। तो ये था आपका हैदराबाद का सारा मामला। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेसन, जिसके अंदर 1947 से लेकर 1950 के बारे में जानकारी ली, और काफ़ी अच्छे से समझा कि 1947 से लेकर 1950 के बीच में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट तरीके से हुई, जिसके अंदर हमने भारत के पार्टीशन को समझा, भारत की आज़ादी को समझा, हम लोगों ने लॉर्ड माउंटबेटन प्लान को डिस्कस किया, हम लोगों ने नेशनल इंटीग्रेशन को डिस्कस किया। तो इस चैप्टर के लिए इतना ही, धन्यवाद।